नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीरो माइल फैमिली चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम चल रहे हैं रीवा में ही स्थित एक खास प्लेस की तरफ, एक हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ जो पहले किला हुआ करता था, जिसे आजकल कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम के रूप में। उसका नाम है बघेल म्यूजियम। रेफरेंस पॉइंट हमने बनाया है जय स्तंभ को। जय स्तंभ से बघेल म्यूजियम की दूरी, जो कि फोर्ट रोड में स्थित है, लगभग 2 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बघेल म्यूजियम को। जय स्तंभ राउंड अबाउट से सीधे हम बढ़ेंगे स्टैचू चौराहे के पास। वहां से हमें फोर्ट रोड को फॉलो करते हुए कोतवाली थाने को क्रॉस करते हुए सीधे पहुंच जाना है फोर्ट के पास, और वहीं पर स्थित है हमारा बघेल म्यूजियम। तो अभी हम हैं जय स्तंभ राउंड अबाउट के पास, और यहां से हम पूरे के पूरे रास्ते को कवर अप करेंगे अप टू बघेल म्यूजियम, और आपको रूबरू कराएंगे यहां के ट्रैफिक से भी। तो आइए आनंद लेते हैं इस सफर का, और फाइनली हम एक्सप्लोर करेंगे बघेल म्यूजियम को। अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टैचू राउंड अबाउट के पास, और यहां से हमें सीधे फोर्ट रोड को फॉलो करना है अप टू बघेल म्यूजियम। और ये देखिए आज कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। आज शायद कोई फेस्टिवल है, इस वजह से लोगों की तादाद दुगनी हो गई है। तो चलिए इस भीड़ को चीरते हुए हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। फोर्ट रोड से गुजरने के क्रम में रोड के दोनों तरफ बने हुए कुछ घर पुरानी शैली पे बने हुए थे, जिसको देख करके इस लोकेशन के इतिहास का पता चलता है। और ये देखिए फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच ही गए हैं। वो सामने दिख रहा है इसका मुख्य गेट, यानी बघेल म्यूजियम का मुख्य गेट, यहीं से हमें प्रवेश करना है। ये देखिए कितना भव्य है, कितना शानदार है। दोनों तरफ शेर की मूर्तियां लगी हुई थी, अभी भी ये टिका हुआ है। और इस ओर अगर दाहिनी साइड आप जाएं तो निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है, और बाईं ओर है बघेल म्यूजियम, जिधर हम आज चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इस म्यूजियम में रीवा की गौरवशाली अतीत की झलक देखी जा सकती है। इसमें रीवा के महाराज से जुड़ी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। म्यूजियम दरअसल शाही महल है। इसमें रीवा के महाराज के साजो सामान और उनसे जुड़ी दूसरी चीज़ों को प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये तो था बाहर का परिसर। आइए म्यूजियम में अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ की सैटेलाइट व्यू देख लेते हैं। ये किला भी तीनों ओर से बिहर नदी और बिछिया नदी का संगम स्थल है। ये किला का जो पिछला हिस्सा है, जहाँ पर दो नदियाँ मिल रही हैं, बिछिया नदी और बिहर नदी, दोनों नदियाँ यहाँ मिल रही हैं। और आइए अब एक्सप्लोर करते हैं म्यूजियम को। ये महाराजा तो ये महाराजा जी हैं। ये गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह
ये लास्ट इनके बेटे थे लास्ट, हाँ इनकी हुकूमत चलती थी पहले, ये महाराजा थे, फिर इनके बेटे मार्तल थे, मार्तल के बेटे उस प्राचीन के बीच अब उनके बेटे हैं पुष्पराज सिंह जी हैं, उनके बेटे दिव्यराज सिंह हैं, पुष्पराज सिंह बेटे जो सिरमौर विधायक है वर्तमान में। ये तलवार वगैरह रखा हुआ है उस टाइम का, और ये हिरन का खाद रियल है, ये सब की रियल है। शोका पिक्चर जो बनी थी, शोका फिल्म बनी थी, तो पूरे सामान यही दिए थे, वो करीना शाहरुख खान राहुल डेनी जबलपुर भेड़ाघाट 64 मंदिर है यहाँ पिक्चर की शूटिंग। अच्छा यहाँ फिल्म की, हाँ यस सही कह रहे हैं, सामान गया था शूटिंग हुई थी, करीना यही तलवार ली है, राहुल है, ये राहुल डेनी है, ये यहीं से पूरा सामान गया था। अच्छा मेरा जानवर का है, उसे चमड़े की ढाल है, रहने से अच्छा अशोका पिक्चर की ये भी तलवार शाहरुख खान ने दिया था, था दिया था, ये खिलौने बच्चों के लिए वाली अच्छा तोपे हैं, और ये जब जो है इसमें भी कल पूछे हैं 40 सीटर प्रभाव मिली, महाराजा रघुराज सिंह विश्वनाथ सिंह चलाने वाली नेपाली कुकरी है, चक्टू है, ये बनका है, देखे बेटू ये देखो ये कितनी अच्छी अच्छी गन है, ये 56 छुरियाँ हैं, सैनिक सीने में पहनते थे, दुश्मन से गले मिलते थे, महापुरुष को गले में लगाते थे और हाथ छोड़ दो गिरता मर जाता था, मतलब दिखाई नहीं इसके ऊपर से कवच पहन रहे थे। अच्छा क्या बात है यार, गजब। और ये सब तो ये जो है पूरा 56 छुरियाँ हैं, कूप हैं, बहुत शानदार, फंसा के चलाते थे। क्या बात है यार, चलो आ जाओ बस। निकली चमड़ी पूरी रियल है। अच्छा ये राजा ने इनके ये कपड़े इसमें रखे हैं, जैसे कपड़े पहने हैं, ये कपड़े हैं इनके जैसे पहने हैं, ये ड्रेस हैं, ये तलवार लोहे की है, म्यान सोने की, ये कई पुस्तक महाराजा रघुराज सिंह ने लिखा था। अच्छा पुस्तक भी लिखते थे, आनंद रघुनंदन नाटक जगदीश शतक कई पुस्तक महाराजा रघुराज सिंह ने किया था, ये इनके समय का है। क्या बात है, ये विक्टोरिया ये चौपट की गोटियाँ हैं सर, ये इधर जो है चौपट की गोटियाँ कपड़े, ये चेस चांदी के हैं, एक एक स्टोन पत्थर, हाथी दांत के पूरे खिलौने, नाव कलम छड़ी बंगी पूरा हाथी दांत का है, क्यों है? क्या बात है, देख के बहुत अजीब लग रहा है जी। उस समय ये चौपट, ये जो है ये चकमक पत्थर आग जलाने के काम में आता था, ये गुम्बद जो मंदिर के ऊपर लगाते हैं, यानी लोग पूजा करते थे, रगड़ने से दो पत्थरों को रगड़ने से आविष्कार नहीं था मैडम, तो इसको ऐसे चला के इससे आग उत्पन्न कर लेते थे, अभी भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, जो है ये पैसे हैं। अच्छा ये पैसे हैं, ये गाना दुआना जो पहले चलते थे सर, हाँ हाँ पैसे हैं पूरा। अच्छा ये पूरा, और इधर जो है इमली की पत्ती की पत्तल, अच्छा इमली की पत्ती बहुत छोटी होती है, उसका पत्तल बनाना बहुत कठिन कठिन है, बिल्कुल चिपका था, कारीगर ने महाराजा साहब को गिफ्ट किया था, और ये सारे सीप है, समुद्री पौधा है, कोरल है, ये पूरे की सिंहासन है, महाराज इसमें बैठ के पूजा करते हैं, सागौन लकड़ी होना सोने की पाली से, और ये मृदंग है, पूजा के समय बजाया जाता था। अच्छा ये हाथी दांत का पूरा सोफा सेट, ये दोनों तरफ जो आगे पीछे सब हाथी दांत का सोफा सेट है, और इधर जो है झूला था, बेल्जियम ग्लास का बना, कांच का बना हुआ झूला था। ये जो आपको सामने दिख रही है ये है रीवा रियासत की वंशावली, और इसी के बगल में रखा हुआ था एक बड़ा सा ट्रांजिस्टर जिसके पीछे में था एक शानदार झूमर, और ये है पालकी जो हाथी पर रखा जाता था जब राजा इस पर हाथी की सवारी करते थे, वो है सामने चांदी का पालकी जिसपे महाराज बैठते थे और हाथी की सवारी करते थे, और आपके सामने है बघेल म्यूजियम के सामने का शानदार नज़ारा, और ये है ऐतिहासिक तोप जो आज एक शोपीस बन के रह गया है। आजा बेटा।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी मुलाकात अगले ब्लॉग में हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।